गाइस, कैसे हो सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज हमारे यहाँ मंडप है, यानी कि भाप पहनाएंगे हम लोग, और शाम का टाइम है। सुबह से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है, मुझे टाइम नहीं मिला और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कैमरा नहीं उठाया है। और अभी हमारा कढ़ी चावल और रोटी बनेगी, तो कढ़ी चावल बन गए हैं और बस आटा लग गया है, रोटियां ही बनाने जाने वाले हैं। उससे पहले मैंने सोचा आपसे बात कर लें और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लें, और हमारे यहाँ भात कैसे पहनाएंगे वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। तो ये देख लीजिए, आज मैंने ये वाली साड़ी डाली है ग्रीन कलर की, कैसी लग रही है आपको बताइएगा जरूर। और ये देख लीजिए, नेक लेस पहना है मैंने ब्लैक कलर का, और ये मेरी साड़ी है। तो गाइस, बच्चे भी हमारे अभी बाहर हैं और उनके पापा आ गए हैं, चाचा आ गए हैं, तो सारे बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं। और चलो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। गाइस, भात की रस्म स्टार्ट हो गई है। ये देख लीजिए, भात पहन रहे हैं सभी लोग। ये विवेक हैं, मेरी दीदी के लड़के, यानी कि मेरे भांजे, और एयरफोर्स में हैं ये। और ये मेरी दीदी खड़ी हैं पीछे ब्लैक साड़ी में, उन्हीं के बेटे हैं, और इन्हीं की बहन की शादी है शिल्पी की। और ये देख लीजिए, सभी लोग भात पहन रहे हैं, निछावर कर रहे हैं, और हम लोग भी खड़े हैं पीछे ग्रीन साड़ी में। थोड़ा सा मैं दिख रही हूँ, पीछे खड़ी हूँ और बाकी के सभी लोग खड़े हैं। सबसे पहले बाहर भात पहनाया जाता है, मेन गेट पे बाहर, तो वहीं पर पहना रहे हैं। उसके बाद अंदर पहनाया जाएगा, यहाँ पर मंडप है वहाँ पहनाएंगे, और यही कार्यक्रम चल रहा है भात का। तो ये सभी लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और बहुत मज़ा आया। शादियों में तो मज़ा ही आता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। और ये मेरी दीदी की भांजी हैं जो थाली लेकर के खड़ी हैं, क्योंकि कोई नायन वायन थी नहीं, तो हंस रहे हैं सभी लोग कि यही नायन बन गई हैं। तो वही सब कुछ मस्ती चल रही है। और ये देख लीजिए, अंदर पहनने लगे हैं भात। और ये मेरी दीदी की जो भांजी हैं वो थाली लेकर के खड़ी हुई हैं, उन्हीं की बेटी हैं ये, और सबको पहना रहे हैं, बच्चों को भी पहना रहे हैं, सभी लोग भात पहन रहे हैं। ये मेरी थर्ड नंबर की जो ननद है उनकी बेटी है प्रिया, उनको भी भात पहनाया जा रहा है। और इधर कैमरे वाले भैया खड़े हैं तो वो फोटो वगैरह ले रहे हैं। और ये हर्षिता है मेरी सबसे छोटी वाली ननद की बेटी, और मैं इस टाइम पे अंदर चली गई हूँ, अव्या नव्या सोने के लिए रो रही थी तो मैं उनको सुलाने चली गई हूँ, तो मैं इधर नहीं दिख रही हूँ। पीछे देवरानी खड़ी है मेरी, और ये उनकी बेटी है हमारी सौम्या, और सभी लोग बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, देख रहे हैं भात पहन रहा है। और काफ़ी रात हो गई थी भात पहनते हुए, 11:30 बज गए थे। उसके बाद खाना पीना हुआ हमारा, कुछ लोगों ने खा लिया था शाम को और कुछ लोग रह गए थे तो उन्होंने बाद में खाया। ये मेरे भाई साहब हैं जो भात पहना रहे हैं, यानी कि मेरे दाऊ के बेटे, यानी कि मेरे बड़े पापा के बेटे, तो वही पहना रहे हैं। मौके पे थे तो उन्हीं से पहनवाया है भात। ये मेरे जीजा जी हैं, इन्हीं की बेटी की शादी है, और बारी बारी से सभी लोग भात पहन रहे हैं। और सारा नहीं ले पाया है हमने, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, और सभी लोगों से मैंने वीडियो कलेक्ट किए हैं, उनको मिक्स किया है, तब मैंने एडिटिंग की है, उसके बाद मैंने वीडियो डाला है। और मेरा तो वैसे भी मोबाइल ठीक नहीं है, बहुत ख़राब मोबाइल है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं आता, उसकी क्वालिटी बहुत गंदी आती है, तो मैंने लिया ही नहीं है। और ये देख लीजिए, मैं भी आ गई, पीछे खड़ी हूँ और सभी लोग खड़े हैं। ये देख लीजिए, मैं खड़ी हूँ ग्रीन साड़ी में, और ये शिल्पी हैं, शिल्पी को भी भात पहनाया जाएगा। लास्ट में लड़की को भात पहनाते हैं जिसकी शादी होती है। मेरी दीदी हैं सुमन दीदी, मेरी थर्ड नंबर की ननद, तो वही लेके आई हैं शिल्पी को, अनाज भर के आते हैं हाथों में, तो बस अब शिल्पी को भात पहनाया जाएगा। और सभी लोग खड़े हैं, मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं,
क्योंकि उनको नींद आ रही थी दिन में, उन्होंने बहुत मस्ती की, उनको दिन में उन्होंने सोया नहीं है, इसीलिए उनको आज जल्दी नींद आ गई, नहीं तो वो भी बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं। रात में 11:30 तो बजा ही लेते हैं, और शादी में तो मस्ती करते रहते हैं सभी बच्चों के साथ, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो देखिए हमारी शिल्पी ने भी हाथ पहन लिया, तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ। ये मेरी दीदी हैं, सेकंड नंबर की दीदी, इन्हीं की बेटी की शादी है और ये भी हाथ पहन रही है। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। गाइस ये देख लीजिए, ये भी मेरे बड़े पापा के बेटे ही हैं, जो शिल्पी को भात पहना रहे हैं। सभी लोग भात लेकर के आए थे, और शिल्पी के लिए साड़ी, दीदी के लिए साड़ी, और ये भी पहना रहे हैं, और शिल्पी ने सावर कर रही हैं। और ये देख लीजिए मेरे भाई साहब हैं, यानी कि मेरे जेठ जी, और ये मेरे रियल जेठ जी हैं, और भात पहना रहे हैं शिल्पी को। और ये देख लीजिए मेरे देवर जी हैं, और ये मेरे हस्बैंड हैं, तीनों भाई भात पहना रहे हैं शिल्पी को, और तीनों भाइयों पर निछावर कर रही हैं शिल्पी बारी बारी से। ये देख लीजिए हमारे तीनों देवर जी, जेठ जी और मेरे हस्बैंड, तीनों लोग ये रियल भाई हैं, और चार बहन हैं। ये मेरा देवर जी का बेटा है वंश, तो वो भी खड़ा है भात पहना रहा है शिल्पी दीदी को, और पैर छू रहे हैं सभी लोग। हमारा भी वीडियो था, हम लोगों ने भी दीदी को भात पहनाया है, मैंने, मेरी देवरानी ने और मेरे बड़े पापा की बहू ने, तो वो वीडियो गलती से डिलीट हो गया है, तो इसलिए सॉरी मैंने नहीं डाल पाया। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, भात का वीडियो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।